मजा है। लो चढ़ाई धुआं। ठीक है अभी मेरे को दे देनी है। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो लेके। तो अभी हमने बाइक को कूल स्टार्ट किया हुआ है और भाई पूरी बाइक गिल्ली है। तो चलते हैं और बाइक के ऊपर बैठ के बात करते हैं गाइज। तो देख सकते हो आप भाई गिल्ली है पूरी बाइक। तो हमने अपनी सीट साफ़ कर ली थी और मैं कहा और तो गिल्ली रहेगी, इतना कपड़ा भी नहीं था। तो ये मौसम देख सकते हो आप बिल्कुल साफ़ है एकदम। तो अभी हम जा रहे हैं घनाटी की तरफ और भाई मज़ा आएगा आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि व्लॉग देखने को मिल रहा है आपको। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी तो इस वजह से वह व्लॉगिंग नहीं कर पाए हम। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। और अभी अपने गांव से निकल रहे हैं। हाय धूप देखने को मिली गाइस। इससे पीछे तो भाई इतनी मतलब धूप भी नहीं आ रही थी सड़क पे और इतनी ठंड लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ आपको। तो ग्लव्स तो मैंने वैसे लिए थे लेकिन भाई वो मेरे को पसंद नहीं आए, फिर मैंने वापस कर दिए थे ग्लव्स अपने। तो क्या करें, मिल नहीं रहे जैसे चाहिए तो मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड आ गई है। पर अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि बाइक तो घर में ही रहेगी। आज मैं जा रहा हूँ भाई अपने कॉलेज में, मतलब अपना इंटरव्यू है होटल के लिए। तो देखते हैं भाई होता है कि नहीं। ज़्यादा दूर का है वैसे तो, गोवा या मुंबई जाने वाले हम। तो देखते हैं कहाँ का निकलता है इंटरव्यू। अगर नहीं निकला तब तो भाई यहीं पर रहेंगे कहीं हिमाचल या चंडीगढ़ दिल्ली तक ही जा पाएंगे। मुंबई जाना है तो भाई इंटरव्यू निकालना पड़ेगा पहले, फिर जा पाऊँगा मैं। तो जा रहे हैं आज, देखते हैं भाई। और बाइक चलाने का मज़ा भी आ रहा है बट ठंड भी लग रही है हाथों में थोड़ी थोड़ी। एकदम स्मूथ चल रही है भाई बाइक, देख सकते हो आप बिल्कुल मक्खन की तरह भाई। बस NH तक पहुँच जाऊँ, वहाँ से तो भाई मतलब NH में इतना ठंड नहीं लगता है। यहाँ पे नाली वगैरह होते हैं ना तब ठंड लगती है। ये धूप दी जहाँ पे धूप आती है आ रही है ना, मतलब वहाँ पे तो भाई गर्म ही हो रहा है एकदम शरीर। ओ नो ब्रो। और गए तीन चार महीने बाद भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मतलब इतना फ्लो नहीं बन पा रहा है अपना व्लॉगिंग का। तब कैसे, हेलो ठीक है। तो गाइस उन्होंने बनाई मेरी पेंटिंग। एक नई बनाई है। कौन सी बनाई? नहीं ये वाली। ठीक है थैंक यू। एक और बढ़िया, मेरे को अच्छी लगी। बताओ तो। कोई नहीं सब बढ़िया है, ये भी अच्छी है। ठीक है अभी मेरे को दे देनी है। हाँ हेलो फिर ID कौन सी आपकी? मैंने डिलीट कर देना इंस्टाग्राम। मैं चलाती, मैं तो इसलिए लिया था। अच्छा आप अपनी बाइक की साउंड दिखाएंगे? हाँ कर लो। और करनी किसी को? ठीक है साउंड। हाँ बोलो, शर्मा क्यों रहे तुम मेरे को भी? ठीक है हाँ कर लो। ठीक है फिर है ना। अब भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ ना बाइक। तब कोई नहीं
थोड़े दिन बाद कर दूंगा, ठीक है, यहीं मिलेंगे फिर, ठीक है ना, बाय। हाँ हाँ रोज जी चले जाऊंगा वैसे तो एक ही हफ्ते बाद, ठीक है बाय, है ना, बाय। तो गाइस भाई साहब नमस्ते अंकल जी। हो भाई मेरे को ना शर्म आ रही थी भाई का सम से, क्या ही बताओ, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ भाई किसी के साथ। एक तो भाई ये भी शर्मा रहे थे, ऊपर से मैं भी शर्मा रहा था, मतलब दोनों सेम ही हो गया था, तो क्या बताऊँ भाई। भाई इस लड़की ने भाई मेरी मतलब पेंटिंगें बनाई थी, तो इसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और दिखाई थी मेरे को पेंटिंग भी। मैं कहा यार अमेजिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग है, तो बुक भी मैं इसके साथ ही ले आऊँ, वापस दे दूँगा, मैं अपनी फाइल में रख लूँगा। और मैंने भी एक दो पेंटिंग बनाई थी अपनी, बस एक ही बनी है मेरे अच्छे से, वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी आगे इंस्टीट्यूट पे, तो चलते हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं लोग में, और यहाँ से भाई पावर चलेगी, फुल ऑन पावर चलते हैं भाई, फुल ऑन पावर, R15 की पावर देखो भाई तुम। तो अब भाई गाड़ी वाला देखो भाई, भाई हिमाचल में ना बहुत डर लगता है बाइक चलाने में, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी वाले चलते हैं भाई हर कहीं से। जैसे आपने देखा भी था पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और ये पावर है भाई अपने R15 की, R4। भाई मेरा टायर ना पीछे वाला दो तीन जगह से भाई पंचर हो गया है, तो मतलब कल परसों लगाया था मैंने, ब्रेक भाई एक साइड से दूसरी साइड को निकल गया है, मतलब इतना खतरनाक पंचर हुआ था, मैं दिखाऊंगा अभी आपको ऊपर। तो टायर भाई बबलिंग कर रहा है थोड़ा, बहुत ही ज़्यादा कर रहा है यार, भाई मजा आ गया भाई कसम से। भाई साथ कोई नहीं आता है राइड पे, नहीं तो और भी मजा आता है, बट क्या करे, ब्रेक स्पीड ब्रेकर है ना, इन्होंने सबकी मार के रखी है, मतलब। तो
गाइस गन्नाटी में पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं अपने यार कहां पे होंगे। उफ भाई धूल, यहाँ से हम चले जाएंगे गाइस ऊपर की तरफ, अपने बंदों से मिलवाऊंगा बाद में, और अभी मेरे को पता है क्योंकि वो आया नहीं है, तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर में आपसे भी। और क्या बताऊं भाई, रोड के हाल देखो, इधर गिरना पक्का है, और इधर से मैं ऑफ रोड भी करने जाता था, तो आप देख सकते हो भाई वीडियोस, भाई कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ जी सर, कैसे हो? तो गाइस अभी हम अपने कॉलेज से आ चुके हैं भाई, और तो गाइस हमारा इंटरव्यू हुआ नहीं, और अपने यार यहाँ पे हैं। चलो चले, लो चढ़ाई दूँ। चलो बैठता हूँ, बैठ जल्दी, रुक जाओ रुक जाओ, देख चक्की दो माँ की। तो गाइस यहाँ से ले जानी पड़ेगी भाई बंद करके, क्योंकि बहुत बुरे हाल है रोड के, ये देख सकते हो आप, ये देखो भाई रोड के हाल। यस चलो फिर, हाँ प्यार से। तो गाइस तरुण को हमने छोड़ दिया यहीं पे, क्योंकि भाई हेलमेट है नहीं उसके पास, तो वो बस में आएगा लोग तक, तब तक हम चलते हैं भाई आराम आराम से, तब तक वो पहुंच ही जाएगा। ये हमारे बुलेट वाले भैया मनोहर, तो भाई आराम से चलेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। चलो भाई भगा ली भाई बुलेट उन्होंने। गाइस ग्लोब में हम पहुंच चुके हैं, पर अभी तक तरुण भाई आए नहीं है शायद, तो वेट करना पड़ेगा भाई, तो वेट करते हैं उनका, फिर चलते हैं इससे आगे।